नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक्टोक के नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट अखिल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बेहतरीन न्यूज। सो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये एक लौता ऐसा चैनल है जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज बताता रहता है फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि जब कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ, वो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत जल्दी मिल जाए। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो कि अपनी फूड इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। तो उसे उनके बारे में कुछ अपडेट आए हैं जो कि वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो के आखिरी तक देख लेना, पूरी देखना वीडियो गाइस, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ही आपकी नॉलेज को इन्हांस करने वाली है और स्टार्टअप्स के लिए आखिरी में बहुत ही बेहतरीन अपडेट आने वाला है। तो गाइस प्लीज जरूर देखिएगा पूरी वीडियो को। पहला अपडेट आता है हमारा कोका कोला की तरफ से। गाइस कोका कोला आपने सुना होगा बहुत ही ये बड़ी जायंट बेवरेजेस इंडस्ट्री है, इनके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं कोका कोला। तो आपने अभी लेटेस्ट दिनों में सुना होगा काफी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे यूनिलीवर होगी, ITC होगी और कोई काफी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है फूड इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया है। वैसे ही कोका कोला ने अपना एडवर्टाइजमेंट एक मंथ के लिए शट डाउन कर दिया, मतलब कि कोई भी अब अपडेट नहीं देने वाले हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाले हैं एक मंथ के लिए कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और ट्विटर हो गया। ज़्यादातर उन्होंने यही बताया है कि वो एक उनका काफ़ी जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी जिसकी वजह से हेट स्प्रेड हो रहा था ऑडियंस में और कम्युनिटी में। तो उन्होंने कोशिश करी है कि कम से कम एक मंथ के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट को रोक दी जाए और मार्केटिंग को थोड़ा, जो कहते हैं हम सोशल मीडिया में मार्केटिंग को थोड़ा सा कम किया जाए, उनका ये कहना था। आता है आरोग्य संदेश को लेके। ये ऐसी मिठाई है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में आ रखी है, बहुत ही न्यूज में आ रखी है। आपने सुना भी होगा कि वेस्ट बंगाल में ऐसी मिठाई बनाई गई है जिसकी वजह से हमारी मनुष्य की इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि उनमें से वो इंग्रेडिएंट ऐसे यूज करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाता है, जैसे तुलसी होगी, चीज ऑफ काउ मिल्क से ये बनता है और नॉर्मली इन्होंने काफ़ी इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं जैसे कि तुलसी हो गए, इनमें से मिक्स करके ऐसी मिठाई निकाली है जो कि आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिख रही होगी उस मिठाई की और आपने काफ़ी तरह देखा भी होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, बहुत ही चर्चा में आ चुकी है बहुत ही देश में कि कैसे ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है मिठाइयाँ। ज़्यादातर आप गाइस सब देख सकते हैं इसी का ही दौर आने वाला है, अब फूड वैसे आने वाले हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टअप गाइस ऐसे ही होने चाहिए जो कि जो लेटेस्ट मतलब कि आगे अगर हम फर्दर की सोच देखें, दूर की सोच देखें, तो अगर देखा जाए तो अभी न्यूट्रास्यूटिकल फूड और ऐसी जो मिठाइयाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही हो और हमारी हेल्थ को अच्छा बेनिफिट दे रही हो, वैसे फूड का बहुत ही चलन बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। गाइस अगला अपडेट आता है हमारा फार्मर को लेके। गाइस फार्मर्स लेके हो गया, जैसे हो गया हमारे रमादन फार्मर्स जो कि कैरेट की हार्वेस्टिंग करते हैं, उन्होंने कहा था कि कम वो 30% ऑफ अपना जो कैरेट का प्रोड्यूस है वो लॉस कर लेते हैं ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लूसेस बहुत ही ज़्यादा वो इंक्रीज होते हैं। कम से कम 30% ऑफ अपना मटेरियल पोस्ट हार्वेस्ट होता है गाइस, मतलब कि अगर आप कोई अनाज उगाते हो, काटते हो, उसे बाद में संभाल के कहीं पे रखना होता है या ट्रांसफर करना, उसी दौरान उनका जो मटेरियल होता है उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और बहुत ज़्यादा नुकसान में उन्हें प्रॉफिट बहुत कम होता है क्योंकि वह मटेरियल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और खाने के लायक नहीं रहता। कम से कम 30% ऑफ कैरेट होते हैं वो खाने के लायक नहीं रह जाती है। तो सरकार ने उन्हें कहा है कि आप जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का इस्तेमाल करें। गाइस जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बहुत ही अच्छा बेहतरीन रोल अदा करता है गाइस, ये भी एक तरह का एक रेफ्रिजरेशन टेक्निक है जिससे हम अपने फ्रूट्स और मटेरियल की अपनी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस अगर आपको चाहिए जीरो एनर्जी कूल चैम्बर की वीडियो, तो गाइस मैंने इस पर काफ़ी देर पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, मैंने उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है, उसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को, बहुत ही बेहतरीन। तो गाइज अगला अपडेट आता है हमारा विनोद कुकवेयर के रिलेटेड। गाइज विनोद कुकवेयर मतलब कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया में बहुत ही ओल्डेस्ट और बहुत ही लार्जेस्ट स्केल में फैली हुई है। गाइज
ये अपना मटेरियल बनाती है नॉर्मली जो हमारे किचन में यूज होने वाली चीजें होती है, जैसे कढ़ाई होगी, फ्राई पैन्स होगी। तो इन्होंने अपना नया प्रोडक्ट निकाला है जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन कास्ट का। अगर आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं तो आप गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। विनोद का आपने काफी बार नाम भी सुना होगा यूटेंसिल में। अगर आपको नहीं पता अपनी माता जी से पूछ लीजिएगा, वो तो जरूर बताएंगे विनोद के बारे में। तो गाइस अगला अपडेट आता है हमारा FSSAI की तरफ से। उन्होंने गाइस एक नोटिस लॉन्च करा है जिसमें से कहा है कि जो फूड इंडस्ट्रीज हैं जो अपने कलर्ड सब्सटेंस यूज कर रही थी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नॉन अल्कोहलिक बियर बनाने के लिए, उन पे थोड़ी गाइडलाइन उन्होंने बताई है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब कि अपनी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं एज अ कलरिंग प्रोडक्ट। उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट निकाली है, इसे अलाउ करा, और उन्होंने ये भी बताया है कितनी मात्रा तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट पे। अगर गाइस कोई इंडस्ट्री वाला ये चीज़ देख रहा है तो कृपया करके आप FSSAI की वेबसाइट पे जाके जरूर देख लीजिएगा। उन्होंने इस पे कुछ स्पेशल गाइडलाइंस निकाली है, आपसे रिक्वेस्ट है। आता है हमारा मोडलेस को लेके। गाइस मोडलेस वही कंपनी है जो कि आपको इसके नाम से नहीं पता लगेगा, इसके प्रोडक्ट से पता लगेगा। ये वही कंपनी है जिन्होंने कैडबरी डेयरी मिल्क बनाई है और ओरियो जैसे बेहतरीन चीज बनाई है जो कि आजकल सभी के फेवरेट हैं। तो उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट निकाला है, वो एक कैडबरी चोको बेक चोकोलेट केक्स। अगर गाइस आपको इसकी तस्वीर चाहिए तो मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूंगा। अभी इसकी मार्केटिंग ही उन्होंने बताई है, अभी लॉन्च ही करा है, ऐसा सच अभी मार्केट में आना अभी मिल नहीं सकता, पर आने वाले दिनों में आपको ये सारी चीजें आपको दिख सकती हैं कैडबरी की तरफ से। तो गाइस अगला अपडेट आता है हमारा फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी और स्किल इनिशिएटिव की तरफ से। गाइज ये इन्होंने क्या करा है, अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है। कोई भी ऐसे मेरा भाई बंधु जो अपने फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड अपनी स्किल लेना चाहता है वो ये कोर्स जरूर ले। मेरा मानना है कि अगर कोई भी अपना जो फूड साइंस के रिलेटेड जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं उन्हें ये ट्रेनिंग स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स जरूर करना चाहिए ताकि अपनी स्किल बढ़ा सके। और आपको कंपनी में जैसे आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैंने इससे स्पेशलाइजेशन करी हुई है, हमारा स्किल है ऐसा, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग स्किल है, किसी को बनाने का स्किल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ इसमें आपको स्किल दिखाए जाएंगे, इसमें कुछ बना के दिखाया जाएगा आपको कैसे आप कुछ चीजें बना सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप बेनिफिशियल अपने अपने आप को एक बेनिफिट ऑफ कंपनी बना सकते हैं। ये सारी स्किल्स आपको इस कोर्स में दिखाई जाएगी। तो गाइस अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, www.ficcsi.in। तो गाइस नीचे मैं दिखा भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर आपको जाना है तो। गाइस प्लीज जाइए, अपने स्किल को सुधारिए, फूड इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हैं, स्टार्टअप जिसे क्रिएट करना है और एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन अपडेट रखा हुआ है। तो गाइस प्लीज इसे देखिए। तो बस गाइस यही थे आज के अपडेट। अगर गाइस आपको ये अपडेट अच्छे लगे हो, थोड़े बहुत मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, थोड़ी सर्च वर्क करनी पड़ती है गाइस, तो भी अपडेट लेके आना पड़ते हैं, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर करते जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।